इस वजह से थोड़ा सा ऑक्सीजन में प्रॉब्लम है यहाँ पर, मुझे फील हो रहा है। तो चलिए चलते हैं मंदिर में, आपको केदारनाथ बाबा जी के दर्शन कराते हैं। ये पहाड़ों बीच वादियों में हम यहाँ भी खो गए हैं। यार बिलीव नहीं हो रहा, पहुंच गए। जल्दी से बद्रीनाथ जी के दर्शन करने हैं, और मुझे ये एक रुद्राक्ष की माला भी मिली है प्रसाद में, साथ में एक ब्रह्म कमल। जितनी थकान थी सब उतर गई, मन प्रसन्न हो गया। ऐसे कल की बात का आज दूसरा दिन है। कल ऐसे थके थके वो घोड़े से उतरे थे तो बहुत थक गए थे, तो बस अभी दर्शन करने के लिए निकलते हैं और वहीं दिखाते हैं आपको मंदिर वगैरह। यार बिलीव नहीं हो रहा, पहुंच गए। ये पहाड़ों बीच वादियों में हम यहाँ भी खो गए हैं। तो हम लोग अब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, रेडी हो चुके हैं मंदिर में, और रात में हमने यहीं पर स्टे किया था, मैंने आपको बताया भी है। तो अभी करीब टाइम हो रहा है 8:30 से 9 के बीच में, तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। उसके बाद हमारा रिटर्न का टिकट भी हेलीकॉप्टर का, तो हेलीपैड बिल्कुल हमारे जस्ट सामने है। तो चलिए चलते हैं मंदिर में, आपको केदारनाथ बाबा जी के दर्शन कराते हैं, बहुत ज्यादा आनंद मिलेगा। हर हर महादेव। जय श्री केदार। जय श्री केदार। तो चलो भाई रेडी हो गए, अभी यहाँ से मंदिर अराउंड कितना आधा किलोमीटर होगा, वहाँ पे दर्शन करते हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद देते हैं। बाकी यहाँ पे देखो इस तरफ पहाड़ है रूम के, और इस तरफ जो है ये यहाँ पे हेलीपैड है। तो यहाँ पे हमारा यात्रा रजिस्ट्रेशन पर्ची अभी चेक हुआ है, और स्टार्टिंग में चेक होता है और यहाँ पर एंड पॉइंट पर चेक होता है। तो बस बाबा का दरबार थोड़ी दूर रह गया यहाँ से। ये टोकन मिलेगा आपको मंदिर से कुछ उसी मीटर पहले ही, आपको जो रजिस्ट्रेशन करवा के आओगे उसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग लाइन में लगे हैं और प्रसाद हमने ले लिया है, शूज वगैरह सबमिट कर दिया है, लाइन बहुत लंबी है और बहुत लंबी लाइन है। तो फाइनली हम लोगों के दर्शन हो चुके हैं गर्भगृह के, बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ, और जितनी थकान थी सब उतर गई, मन प्रसन्न हो गया। और बस अब हम लोग जल्दी से नीचे जा रहे हैं क्योंकि हमारा हेलीकॉप्टर वेट कर रहा है, टिकट हमारी हो चुकी थी कंफर्म, तो उसके लिए हम लोग नीचे जा रहे हैं। और ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ा सा ऑक्सीजन में प्रॉब्लम है यहाँ पर, मुझे फील हो रहा है। सो हर हर महादेव। जय श्री केदार। जल्दी से
बद्रीनाथ जी के दर्शन करने हैं और यहाँ से क्योंकि मौसम खराब हो रहा है इसीलिए हम जल्दी जल्दी हम लोग हेलीपैड पर पहुँचते हैं फिर आपको दिखाते हैं। माफ कर देना, चल बोले, चल मेरे, चल बोले। तो दर्शन बहुत अच्छे हुए और मुझे ये एक रुद्राक्ष की माला भी मिली है प्रसाद में, साथ में एक ब्रह्म कमल और एक बेलपत्री। तो हाँ निकल जाएगा वरना, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। तो केदारनाथ जी से उतरने के बाद हम लोग अब बद्रीनाथ धाम की तरफ बढ़ रहे हैं और रास्ते में यहाँ कुछ खाने पीने के लिए रुके हुए हैं और ऊपर ये जो बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है मृग विहार, मतलब कस्तूरबा जो हिरन होती हैं, कस्तूरबा जो मृग होती है वो बेसिकली यहाँ से यहाँ पर देखी जा सकती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर काफ़ी लोग रुके हुए हैं और क्योंकि हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग कुछ खाने के लिए रुके हैं और व्यू बहुत ही अच्छा है। रुके मैं दिखाती हूँ, पूरा फॉगी फॉगी सा वेदर हो रखा है इस तरफ और यहाँ लिखा हुआ है कस्तूरबा मृग विहार क्षेत्र, बहुत ही सुंदर व्यू है। साइड में बहुत सारी गहरी खाई है। तो अभी कुछ खा पी के फिर और आगे बढ़ते हैं। तो हालत बहुत ही ज़्यादा टाइट है क्योंकि मुझे उल्टी बहुत होती है गाड़ी में, मोशन सिकनेस काफ़ी ज़्यादा है और गला वगैरह पूरा ख़राब हो चुका है। तो मैंने अभी भी ये माला पहनी हुई है और हम लोगों को केदारनाथ जी से निकले हुए करीब 3 से 4 घंटे हो गए हैं। तो रास्ते में मुझे 2-3 बारी बहुत ही ख़राब वाली उल्टी हुई है जिसकी वजह से बिल्कुल भी एनर्जी डाउन है मेरी, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं लग रही है, एनर्जी बिल्कुल डाउन है और नींद भी नहीं पूरी हुई क्योंकि। और एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम ऊपर केदारनाथ जी में रात में स्टे कर रहे थे हम लोग जब रात में रुके थे वहाँ पर मुझे स्पेशली मतलब मेरे साथ मेरे हस्बैंड को मेरे भाई को उतना ज़्यादा फील नहीं हुआ ऑक्सीजन की कमी, बट मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई तो इस वजह से मैं रात भर सो नहीं पाई और ऑक्सीजन की कमी की वजह से मेरे सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द था। तो अगर आप ऐसी जगह पर जाते हो तो आप कोशिश करना कि एक छोटा सा ऑक्सीजन सिलेंडर अगर आप कैरी कर सको तो वो ज़रूर रखना क्योंकि मुझे रात में बहुत ज़्यादा नीड लग रही थी इस चीज़ की। तो अभी रुके हैं, कुछ खाते पीते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव एनर्जी एक बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी फील होती है और ऐसी जगह पे मैं